So, hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. You can learn English. कैसे आप लोग? I hope आज अच्छे होंगे. सभी क्लास भी अच्छी थी. Okay? यदि आपने सभी क्लास नहीं देखी हो तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. और आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कोड हैप पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? आज हम कोड हैप की क्लास हम करेंगे. क्या करेंगे? कोड हैप करेंगे. कोड हैप इफ यू टॉक अबाउट द स्पोकन पर्पस बहुत ज़्यादा यूजफुल है. और मैंने YouTube पर दोबारा सर्च की तो कोड हैप मिला, लेकिन उस टाइप के नहीं मिला जिस टाइप का हमें ज़रूरत थी. ठीक है, तो आज कोड हैप पढ़ेंगे कुछ अलग अंदाज में, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ डिफरेंट यूज़ बताएंगे कोड हैप के. और आई होप आपके लिए यह यूज़फुल हो. आपको पता नहीं होगा कि यह ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस बन सकते है. ठीक है, उससे पहले कल की क्लास को हम देख लेते. कल की क्लास हमने क्या पढ़ा था? कुड बी पढ़ा था. ठीक है, तो कल की एक पहचान ये भी है उसकी कुड वाली की, कि उसमें पाए, जैसे हम खाना खा पाए, मतलब बी कुड ईट फूड, वह नाच पाया, तो पाया और सका भी हो सकता है. ठीक है, पहचान दे, अपना नोट कर लेना. ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुड हैव. क्या पढ़ेंगे? आज हम कुड हैव पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? कुड हैव. क्या पढ़ेंगे? कुड हैव. ठीक है, तो कुड हैव जो हम पढ़ेंगे, ये कुड हैव सिंपल वाला पढ़ेंगे. ये वाला वी थर्ड वाला नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको वी थर्ड वाला. नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे. आज हम जो कुड हैव पढ़ेंगे वो कुड हैव डिफरेंट होगा. दिस कुड हैव विल बी डिफरेंट. ये कुछ अलग होगा आपके लिए और आई होप आपके लिए यूजफुल भी होगा. तो इसकी जो पहचान की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम इसको मिटा देते हैं. ठीक है, क्या अगर हम पहचान की बात करें, किसकी पहचान की, तो पहचान क्या है कोड ऐप की? कोड ऐप की पहचान आसान है, सेंटेंस भी आसान है. आज क्लास कल की जैसी लंबी नहीं है, ये आसान है. तो एक पहचान की बात करें तो पहचान जो मैं हर बार बताता हूं आपको, लेकिन ये यूट्यूब से क्यों अलग है मैं बताता हूं, क्योंकि पास हो सका. क्या है? पास हो सका या पास हो सकता था. क्या है? पास हो सकता था. अब वो वाला पास है ना, एग्जाम पास करना. एग्जाम पास करने वाला पास नहीं है. एक मिनट में इसको सुधार लूँ. एक तो मेरी ये दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या क्या हो जाता है बेटा तुझे. बीच क्लास में परेशान करता है, है? चलो बेटा, अब तुम परेशान नहीं करना. ठीक है, ऐसे ही बने रहा. ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे? पास हो सकता था. कहाँ? पास हो सकता था या हो सका. पास हो सका, पास हो सकता था, पास हो सकी, सका, सकी, सके. ठीक है, और मैंने पाया भी आ जाएगा. एक मैंने बताया ना पाया, जैसे हमारे पास हमारा मोबाइल हो पाया. हमारे पास घर हो सका. ठीक है, तो पाया वाली सेंटेंस भी आ सकती है, मतलब पास होने का कोई सेंस भी आएगा और डायरेक्टली आ सकता है. जैसे उसका भाई हो सकता है, उसका भाई हो सकता था, उसका भाई हो सकता था लेकिन ही नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, बोल सकते हैं. उसका उसके पास ज्ञान हो सकता था या उसके पास ज्ञान हो सका, बोल सकते हैं. पास होने की, गाय की दो आँखें हो सकी, बोल सकते हैं. गाय की दो आँखें हो सकी, क्या हो सकी? आईज हो सकी, आँखें हो सकी. गाय की एक पूँछ हो सकी, बोल सकते हैं. गधे के चार पैर हो सके, मतलब किसके हो सके, मतलब पास है ना उसके, क्या है? पास है. ठीक है, उसकी क्या पास है? उसे कोरोना हो सका, पैसे तो हुआ ना, उसे कोरोना हो सका, उसकी वैक्सीन हो सकी, उसकी बहन हो सकी, या बोल सकते हैं शिवम का भाई हो सकता था, शिवम का कंप्यूटर हो सकता था, हो सकता था, मतलब पास हो सकता था. ठीक है, पास हो सकता था. बोल सकते हैं हमारी नौकरी हो सकती थी. मगर नौकरी किसके पास है? तो सकती थी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो क्या लिखने की ज़रूरत है कि सेंटेंस? चलो लिख लेते हैं. नहीं मानते तो क्या कर, लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो वह नहीं आएगा. उसके पास ज्ञान हो सका. क्या हो सका? ज्ञान. गाय के दांत हो सकते थे लेकिन हो नहीं पाए.
सकते थे। ठीक है, किसान की जमीन हो पाई या जमीन हो सकती थी मतलब हो सकती थी मतलब किसके पास हो सकती। अब आप ये नहीं समझ लेना इसमें कि मैंने यहाँ तो ये लिख दिया भैया होना बनना, ठीक है, तो ये बीच से बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको किस पर, आपको सेंस भाव समझना पड़ेगा। जैसे मेरी शर्ट हो सकी, मेरा चश्मा हो सका मतलब चश्मा मेरे पास ही रहेगा ना, ये चश्मा है, मेरा चश्मा ख़राब दिख रहा हूँ, तो ये चश्मा किसके मेरे पास हो सका ना, तो मेरा चश्मा हो सकता है, मेरा चश्मा हो सकता था, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये माइक हो सकता था। तो हो सकना मतलब पास होना, पास, जिसे पास होने का क्या है, सेंस आए, भाव आए, ठीक है। उसमें किससे बनाएंगे, ये बनाएंगे कुड हैव से बनाएंगे, किससे बनाएंगे कुड हैव से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं तीन ही सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई थिंक इतना मैंने आपको कन्विंस मतलब समझा दिया, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम किस पे चलते, स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यदि आप इसके स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो, जल्दी सा स्क्रीन शॉट इसका ले लो, क्लास छोड़ कर नहीं भागना, ये सोचो नहीं भी तो बना लूँगा वो, तो छः सेंटेंस बनाएंगे वो, ठीक है। तो देख लेना, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप लगते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ECLE पर, जो कि यूट्यूब पर आपको मुश्किल है मिलेगी लेकिन मुश्किल है मिलेगी, या मिलेगी तो फिर एक ही क्लास में सारा बता देंगे, आपकी दिमाग सड़ जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर देंगे। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो यहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, और योर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, अपना अपना वो स्टाइल है पढ़ाने का, लेकिन मेरा यही स्टाइल है, उनका भी अलग स्टाइल है, दे आर नॉट रॉन्ग, ना तो आप बोलो किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है, दे आर नॉट रॉन्ग, रॉन्ग कोई नहीं है, रॉन्ग कोई नहीं है, वो भी सही है, उनका भी स्टाइल है, लेकिन मेरा स्टाइल यही है। आप जिसको आपकी स्टाइल मतलब जिसकी स्टाइल पसंद आ जाए वो वाली स्टाइल ना समझो आप लोग, ठीक है। तो कहाँ फार्मूला चलते हैं, पहले फार्मूला यहाँ बना लेते हैं, ऐसा वाला मज़ा आता है डिवाइड करने में, मुझे मज़ा आने लगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ लिखेंगे उसको सेंटेंस को कैसे बनाए, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हर बार की तरह आता है, कुड आएगा प्लस हैव आएगा और प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव आएगा, नाउन ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव। फिर देखो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। थर्ड वाला बना लो, कैसे बनाते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ठीक है। अब फोर्थ वाले क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तीसरे तक तो ज़्यादा सबको याद रहता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसके भी ऐसे सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। मैं हर बार की तरह बताता हूँ, वेयर इज रेड पेन, हाँ ये बेटा, ओके, तो ये है, हाँ ये, इसके बीच में नोट लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देख लो, और क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव आया, क्या आएगा, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, इसमें हैव नहीं लगाया, मैंने हैव लगा दूँ पहले, ठीक है, चलो आज इससे। तो इसमें देखो, इसमें ही वही है कि नॉट कहाँ लगेगा, ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगता है, आपको ध्यान रखना, कहाँ लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, सिक्स वाले में, ठीक है। इसमें कहाँ लगता है, क्वेश्चन, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद लगता है, मतलब सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। इसमें लगेगा कोड और हैव के बीच में नॉट लगेगा, इसमें नॉट लगते नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न का नाम ही नहीं रहे, कन्फ्यूज रहे ही नहीं, समझ रहे, ये ट्रैक्टर निकला फालतू परेशान, ठीक। आपके पास क्या नहीं रहा, कन्फ्यूज़न आ रहा है, क्या नहीं रहे, कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अब बनाते हैं सेंटेंस, क्या है, अब बनाते हैं क्या, सेंटेंस,
ठीक है, क्या बनाते हैं, सेंट इज बाग के बनाते हैं, एक लाल लाल पेन है, लाल है यार, मैं कन्फ्यूज क्यों हो रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, तो कोई भी एक सेंटेंस सोच लो, पास हो सकता है, बना सकते हैं आप, उसका दोस्त हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता था, उसका दोस्त हो सकता था, क्या हो सकता है, दोस्त यार, तो दोस्त कहाँ हो सकता था, पास होगा ना, मतलब साइंस में तो पास होगा ना, ठीक है, तो ही कुड हैव कौन है, दोस्त, फ्रेंड, ही कुड हैव फ्रेंड, हर एक फ्रेंड अच्छा आदमी होता है, ठीक है, उसका दोस्त नहीं हो सकता था, उसका क्या नहीं हो सकता था, दोस्त नहीं हो सकता था, उसका दोस्त नहीं हो सकता था, सकता खराब आदमी हो सकता था, क्या हो सकता था, दोस्त हो सकता था, ठीक है, तो क्या आएगा, ही कुड, कुड के बीच में नॉट लगा दो, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, हैव, ही कुड नॉट हैव फ्रेंड, फ्रेंड वा, क्या उसका दोस्त हो सकता था, क्या उसका दोस्त हो सकता था, क्या उसका दोस्त हो सकता था, हो सकता था, ठीक है, कौन, फ्रेंड वा, फ्रेंड, फ्रेंड वा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ओनली फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलो, फ्रेंड बोलेंगे, ठीक है, ये देसी इंग्लिश है, ठीक है, दिस इज द देसी, आई एम देसी टीचर, तो कुड ही के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा, नहीं सॉरी नॉट नहीं आएगा, कुड ही हैव फ्रेंड, क्या उसका दोस्त नहीं हो सकता था, क्या उसका दोस्त यार नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, हो सकता वो अकड़ू आदमी हो, कोई को रहते ना, कुड ही, अब लगेगा नॉट रहा, बोले कुड ही नॉट, हम अपने आप को पढ़ाते हैं, हैव फ्रेंड, कुड ही नॉट हैव, क्या फ्रेंड बोलते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड्स, ओके, उसका दोस्त कैसा हो सकता था, उसका दोस्त कैसा, खराब है, अच्छा है, बुरा है, यारों के यार है, कैसा, बहुत हो सकता है, उसका दोस्त कैसा हो सकता था, कैसा हो सकता था, तो आएगा हाउ, कैसा, क्या बोलते हैं, हाउ, बबल हाउ नहीं, हाउ आगे बच्चों को, हाउ कुड ही हैव फ्रेंड, क्या है, हाउ कुड ही हैव फ्रेंड, उसका कैसा दोस्त हो सकता था, यहाँ दोस्त लिख लो राहुल, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, उसका कैसा दोस्त हो सकता था, क्या, हाउ कुड ही, क्या आएगा, हाउ कुड ही, यहाँ नॉट आएगा, यहाँ हैव आएगा, यहाँ फ्रेंड आएगा, क्या है, हाउ कुड ही नॉट हैव फ्रेंड, क्या आएगा, हाउ कुड ही नॉट हैव फ्रेंड, तो बोल सकते हैं उसका दोस्त हो सकता था, ही कुड हैव फ्रेंड, उसका दोस्त नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट हैव फ्रेंड, क्या उसका दोस्त हो सकता था, कुड ही हैव फ्रेंड, क्या उसका दोस्त नहीं हो सकता था, कुड ही नॉट हैव फ्रेंड, उसका दोस्त कैसा हो सकता था, हाउ कुड ही हैव फ्रेंड, उसका दोस्त कैसा नहीं हो सकता था, हाउ कुड ही नॉट हैव फ्रेंड, ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, इंग्लिश सीखते जाइए, ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं कोई ध्यान से, ठीक है, क्लास लास्ट क्लास स्टडी बने ना, भागना नहीं, ठीक है, जैसे बोल सकते हो पास वाला, उसके पास उसका नहीं, किसी का नाम ले लो यार, ठीक है, किसी का नाम ले लो, किसका नाम ले लूँ, मेरा का नाम क्या है, मेरा नाम भूल गया, है मेरा नाम तो राहुल है, ठीक है, राहुल नहीं, देखो, हाँ शिवानी, माय सिस्टर शिवानी, मेरे सिस्टर का नाम, शिवानी के पास किताबें हो सकती थी, शिवानी कुड हैव व्हाट बुक्स, शिवानी के पास किताबें नहीं हो सकती थी, शिवानी कुड नॉट हैव बुक्स, क्या शिवानी की किताब हो सकती थी, कुड शिवानी हैव बुक्स, क्या शिवानी की किताबें नहीं हो सकती थी, कुड शिवानी नॉट हैव बुक्स, शिवानी की कितनी किताबें हो सकती थी, कितनी हाउ मैनी कुड शिवानी हैव बुक्स, शिवानी की कितनी किताबें नहीं हो सकती थी, हाउ मैनी कुड शिवानी नॉट बुक्स, तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा,
उतना आपको मजा आएगा, भयंकर भयंकर फील होगा, आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, योर कॉन्फिडेंट विल बिल्डअप. सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, सो वॉट डू यू नीड टू हैव टू द लर्निंग इंग्लिश, यू नीड टू हैव द ग्रामर. ओके, सो आई एम टीचिंग यू ग्रामर इन द मॉर्निंग 8:00. ओके, यू नीड टू सॉरी आई एम टीचिंग ग्रामर नाउ एंड यू नीड टू हैव द वोकैबुलरी. सो आई एम टीचिंग यू वोकैबुलरी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आई एम टीचिंग वोकैबुलरी. सो ग्रामर और वोकैबुलरी और क्या चाहिए आपको, बस प्रैक्टिस करना है, सब कुछ है. बोलते हैं ना कि थाली में तो सब कुछ रखा है, सब्जी भी रखी है, चावल भी रखा है, चल अच्छे अच्छे अच्छा 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 पकवान है, जैसे पकौड़ा बनाते हैं कोई, ठीक है, तो सब कुछ रखा है, बालूशाही रखी है, रसगुल्ले रखे हैं, चटनी रखी इमली की, फुलकी रखी, सब कुछ रखा जाती ना पापा सिस्टम में. तो बस आपको करना क्या पड़ता है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है उसको लेके बस खाना पड़ता है, बस इतना काम है, चबाने का काम है. तो आपकी ये भी बफर सिस्टम है, आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर, ये क्या है, बफर सिस्टम है. बस आपको यहाँ खाना नहीं है, यहाँ बस आपको पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मज़ा आएगा. अगर आप कम खाना खाओगे तो भूखे रह जाओगे, जल्दी भूख लगेगा, अब ज़्यादा खा लोगे तो पेट भर जाएगा, ठीक है. लेकिन खाते रहना, ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं. ये भी इंग्लिश लर्निंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखते रहो, ठीक है. तो आज की क्लास थी, आपको क्लास कैसे लगी यू कैन टेल इन कमेंट बॉक्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. यदि आप नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, सारे जितने सारे दोस्त पूरे सर्कल है, शेयर कर दो. शेयर करोगे दोस्त का भला होगा और आपका भला तो होगा, वो दुआएं देगा, ठीक है. यस, ही इज माई फ्रेंड बिकॉज उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ठीक है. तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में वोकैबुलरी की क्लास में, तब तक के लिए टिल टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच.